खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ, मैं पूनम। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल सरकार की दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। पहली याचिका दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलरिटी कमीशन DERC के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर थी। दूसरा मामला दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ था। CJI DY चंद्रचूड, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल VK सक्सेना मिलकर DERC के चेयरमैन का नाम तय करें। कोर्ट ने कहा, LG और मुख्यमंत्री दोनों ही संवैधानिक पदों पर हैं, इन लोगों को लड़ाई झगड़े से ऊपर उठना चाहिए, दोनों साथ बैठें और DERC के चेयरमैन का नाम तय कर हमें बताएं। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुनवाई की। CJI चंद्रचूड़ ने कहा, हम ये मामला 5 जजों के संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं, फिर संविधान पीठ तय करेगा कि केंद्र इस तरह संशोधन कर सकता है या नहीं। इस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि संविधान का आर्टिकल 246 संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है। केंद्र ने कहा कि संसद सक्षम है और इसके पास उन विषयों पर भी कानून बनाने की शक्तियाँ हैं जिनके लिए दिल्ली की विधानसभा कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। हालांकि इस मामले में अभी तक फैसला नहीं हुआ है, मामले की अगली सुनवाई गुरुवार यानी 20 जुलाई को होगी। कोर्ट तब तय करेगा कि अध्यादेश का मामला संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ, धन्यवाद।